गृह मंत्री के दिशा निर्देशों के बाद अब प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस में एक बदलाव दिखाई दे रहा है। यमुनानगर के एसपी ने भी रादौर थाने में औचक निरीक्षण किया और वहां मौजूद लोगों से बातचीत कर जमीनी स्तर पर थानों में क्या चल रहा है उसकी हकीकत जानी। हालांकि थाने में खामियां नहीं मिली। वहीं एसपी यमुनानगर ने कहा है कि औचक निरीक्षण किया गया था और थाने में सफाई व्यवस्था से लेकर वहां मौजूद लोगों से भी बातचीत की। एसपी कुलदीप यादव का कहना है कि हम प्रयासरत है और कोई भी निराश ना हो। रादौर थाने में गया था अचानक चेक करने के लिए, कुछ पब्लिक जो वो बैठी थी उनसे मैंने बातचीत की, उनसे पूछा कितनी देर उनको हो गई है और उनकी कोई समस्या थी तो उसका जो समाधान कुछ हुआ या नहीं हुआ, तो रिस्पांस ठीक था। वो आए थे, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी थी, आईओ भी उनके पास ही बैठ कर उनसे बातचीत कर रहे थे और फिर मैंने साफ़ सफाई के बारे में देखा और वहाँ जो भी कुछ कमी थी उनको सुधारने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं और नाइट पेट्रोलिंग के लिए और स्टाफ को सभी को हाजिर रख के ब्रीफ करने के सभी के निर्देश दिए। हाँ बिल्कुल, समय समय पर अलग अलग पुलिस स्टेशन में जाकर मैं चेक करूँगा। हाँ बिल्कुल, हमारा 11 से 12 बजे तक का जो है जनता दरबार शुरू है, हम लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, जो भी आते हैं उनका निवारण किया जाएगा। उनको यही दिशा निर्देश है कि जब भी पब्लिक आपके पास थाने में आती है तो उनकी अच्छे से सुनवाई हो और जो कंप्लेंट हमारे यहाँ एसपी ऑफिस से कंसर्न पुलिस स्टेशन और पुलिस पोस्ट में जाती है उस पर तुरंत कार्रवाई। हमारा प्रयास ये रहेगा कि निराश होकर ना लौटे और फिर भी अगर किसी की कोई कमी रह भी जाती है तो मुझसे कभी भी आके मिल सकते हैं। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।